नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा। फेमस शायर वसीम बरेलवी ने लिखा है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। ये पंक्तियां बिहार की राजनीति के पुरोधा और जननायक कर्पूरी ठाकुर पर सटीक बैठती है। अपने जीवन में अपने अपने परिवार के लिए एक इंच जमीन तक न जोड़ पाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने समाज के लिए जो किया वो आज भी एक मिसाल है। ये जनहित के अपने कामों की बदौलत ही जननायक कहलाए। केंद्र की मोदी सरकार ने जन शताब्दी से ठीक एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है। इस अवसर पर एक नजर कर्पूरी ठाकुर के उस जीवन संघर्ष पर डालते हैं जिसने उन्हें जननायक बना दिया। 24 जनवरी 1924 कर्पूरी ठाकुर ने नाई समाज के एक परिवार में जन्म लिया। बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में दो बार सीएम रहे। कर्पूरी ठाकुर ने पहला विधानसभा चुनाव 1952 में लड़ा और उसके बाद कभी मुड़कर हार का मुंह नहीं देखा। उन्होंने ये चुनाव सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर ताजपुर विधानसभा से लड़ा था। वो पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दूसरी बार दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक प्रदेश के सीएम रहे। वे दोनों बार ही अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो मिसाल कायम की उसने उन्हें जननायक की उपाधि दी। विधायक बनने के बाद 1952 में कर्पूरी ठाकुर को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन कोट खरीदने को उनके पास रुपए नहीं थे, सो वे अपने दोस्त का कोट उधार लेकर ऑस्ट्रिया गए। कर्पूरी उस कोट को पहन ऑस्ट्रिया पहुंचे तो युगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो की नजर उनके फटे कोट पर पड़ी। उन्होंने कर्पूरी जी को नया कोट गिफ्ट किया। उत्तर प्रदेश में नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा ने लिखा था कि उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पत्र के माध्यम से पटना में रह रहे अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा कि यदि कर्पूरी ठाकुर कभी 5 या 10 हजार रुपए उधार मांगे तो दे देना, ये मुझ पर कर्ज रहेगा। इसके बाद कई बार देवीलाल ने अपने मित्र से पूछा कि उन्होंने कुछ मांगा, हर बार जवाब मिला कि वो कुछ मांगते ही नहीं। कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु उपरांत जब हेमवती नंदन बहुगुणा उनके पैतृक गांव पहुंचे तो गांव में उनकी झोपड़ी देख वो रो पड़े। जब बिहार की राजनीति में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर 1967 में पहली बार प्रदेश के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों के लिए 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त किया तो वही अंग्रेजी अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। आलम यह हुआ कि उनके इस फैसले की खूब आलोचना की गई, लेकिन वही मिशनरी स्कूलों ने भी इस फैसले के बाद हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं उन दिनों एक कथन खूब चला कि फला कर्पूरी डिवीजन से पास हुआ है। दरअसल ये एक तंज था, क्योंकि जब कोई बच्चा अंग्रेजी विषय में फेल हो जाता था तो लोग यही कहते हुए नजर आते। जब वो दूसरी बार सीएम रहे तो उन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया। इतना ही नहीं, राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को जरूरी किया और कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करवाया। दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर ने 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को अंतिम सांस ली। आज के समय में अगर हम सियासत और ईमानदारी की बात एक साथ करें तो ये आपको विरोधाभासी लग सकता है। वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जो इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद भी आर्थिक विरासत के नाम पर अपने परिवार को कुछ न दे सके। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बेटे को पत्र लिखते तो उसमें 3 लाइन जरूर होती थी, तुम इससे प्रभावित मत होना, कोई लोभ लालच दे तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में उन्होंने ईमानदारी और जनहित कार्यों की जो मिसाल पेश की उसने ही उन्हें जननायक बना दिया। तो ये थी जननायक कर्पूरी ठाकुर की संघर्ष की एक झलक। ऐसे ही राजनीति के महान पुरोधाओं से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हिंदी खबर।